नमस्कार, नए साल की आप सभी को ध्यायस टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साल भर हमारी यही कोशिश होती है कि हम आप तक हर वो खबर पहुंचा पाएं जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हम साल भर इसके लिए मेहनत भी करते हैं, कुछ गलतियां होती हैं आप हमें बताते हैं और हम इसमें सुधार भी करते हैं। देखते देखते सिलसिला पूरे एक साल में बदल जाता है और खड़ा हो जाता है खबरों का एक बड़ा अंबार। बीता हुआ साल भी अपने साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को छोड़ गया है जो न सिर्फ आपकी परीक्षा बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश का मकसद साल 2019 की उन महत्वपूर्ण घटनाओं से आपको रूबरू कराने की है जिनसे आने वाली आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं कई सवाल। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते का हमारा खास कार्यक्रम इंडिया रिविजिटिंग 2019। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण देने की प्रक्रिया साल 2019 के शुरुआती महीनों में शुरू की गई। इसके लिए केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ही आरक्षण की बात कही गई है, जबकि संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं था। आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को संविधान के इसी अनुच्छेद में आर्थिक शब्द को जोड़ने की जरूरत पड़ी, जिसके बाद सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का कानून बन सका। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। अंतरिम बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने 5 लाख से कम आय वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी। साथ ही किसानों के लिए भी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इसके अलावा अंतरिम बजट में सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 10 करोड़ कामगारों के लिए एक निश्चित मासिक पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया था। इसके अलावा फसल कर्ज, मछली पालन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई थी। साल के शुरुआत में ही देश को एक बड़ा झटका लगा। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए जबरदस्त आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 42 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान के आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए इस आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। रक्षा खरीद से जुड़े रफाल सौदे को लेकर कैग भी साल 2019 में सुर्खियों में रहा। दरअसल हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि से अनुरोध किया कि वो 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के करार की ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें, क्योंकि तत्कालीन वित्त सचिव के तौर पर वो राफेल वार्ता का हिस्सा रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र आता है। भारत के कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है और ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान का सबसे अहम प्राधिकारी बताया था। साल के शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्य के करीब 11.2 लाख परिवारों को जंगल खाली करने का आदेश दिया था। वाइल्ड लाइफ फास्ट एंड अन्य बनाम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं अन्य के मामले में आए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे अपने राज्य के कानूनों के मुताबिक जमीनें खाली कराएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आदिवासी और अन्य आदिवासी समुदायों में खलबली मच गई, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी। बाद में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के लिए लाए गए मसौदे को भी केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालयों या कॉलेजों को एक विभाग या विषय के बजाय एक इकाई मानते हुए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अध्यादेश 2019 को भी साल के शुरुआती महीनों में ही मंजूरी प्रदान की थी। दरअसल काफी दिनों से 13-पॉइंट रोस्टर को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अब उसके बजाय 200-पॉइंट रोस्टर को अनुमति दी है।
सरकार के मुताबिक इस निर्णय से पात्र प्रतिभाशाली आवेदकों को आकर्षित करके उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के मानकों में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा इससे SC/ST और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण मानदंडों के साथ 5,000 से अधिक खाली पदों को भरने की अनुमति मिलेगी। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19 के संवैधानिक प्रावधानों को और मजबूती मिल सकेगी। एक लंबे प्रयास और तमाम आंदोलनों के बाद 23 मार्च 2019 को भारत को पहला लोकपाल मिल गया। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस PC घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। इसके अलावा लोकपाल के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी गई, जिसमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य शामिल हैं। न्यायिक सदस्यों के तौर पर जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है। साथ ही गैर न्यायिक सदस्यों में अर्चना रामसुंदरम, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम का नाम शामिल है। साल 2019 बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर भी चर्चा में रहा। दिग्गज अमेरिकी कंपनी पेप्सिको ने गुजरात के 4 किसानों के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। कंपनी ने इन किसानों पर अपने पेटेंट आलू की किस्म FC5 की अवैध खेती करने का आरोप लगाया था। इसके बाद कंपनी ने सभी किसानों से 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। हालांकि बाद में सिविल सोसाइटियों और सरकार के दखलंदाजी के बाद कंपनी किसानों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए राजी हो गई थी। इसके बाद भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर बहस काफी तेज हो गई। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी USTR ने बौद्धिक संपदा सुरक्षा से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट स्पेशल 301/2018 में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा था। गरीबी को लेकर जारी साल 2019 के आंकड़े में भारत को थोड़ी राहत देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने गरीबी के संबंध में जारी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहा कि भारत में साल 2006 से 2016 के बीच करीब 27 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी गरीबी से संबंधित एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2030 तक गरीबी कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। MDG के मुताबिक जो लोग एक दिन में $1.25 से कम कमाते हैं वे गरीब की श्रेणी में आते हैं। भारत में उपभोग और आय दोनों के आधार पर गरीबी के स्तर का आकलन किया जाता है। देखा जाए तो जनसंख्या विस्फोट, सीमित संसाधन, संबंधित संस्थाओं की अक्षमता, भ्रष्टाचार, अशिक्षा और गुलामी के असर जैसे कारण भारत में गरीबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। साल 2019 में भुखमरी के मामले में देश की स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है। 117 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत 102वें पायदान पर रहा है। इसके अलावा भारत में पोषण को लेकर 8 अक्टूबर 2019 को देश का पहला समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण जारी किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार इस सर्वेक्षण में फरवरी 2016 से लेकर अक्टूबर 2018 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण का सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि देश में जन्मे 2 साल से कम के शिशुओं में मात्र 6.4% शिशु ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम स्वीकार्य पोषक आहार मिल पाता है। सर्वे में 5 से 9 साल के आयु वर्ग के 10% बच्चे और 10 से 19 साल के आयु वर्ग के 10% किशोर प्री डायबिटिक पाए गए। इसी आयु वर्ग में 5% बच्चे और किशोर अधिक वजन यानी मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं, जबकि अन्य 5% रक्तचाप से पीड़ित हैं। साल 2019 में 17वीं लोकसभा के भी चुनाव हुए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनी। दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने कई ऐसे मजबूत और महत्वपूर्ण फैसलों की नींव रखी जिसने न सिर्फ 2019 को सुर्खियों में रखा
बल्कि कई मायनों में बनाया 2019 को ऐतिहासिक। दोबारा से चुनकर आई एनडीए सरकार ने जून 2019 में नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में कई महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया था। हालांकि मसौदे में शामिल त्रिभाषाई नीति को लेकर दक्षिण के राज्यों में इसका काफी विरोध हुआ। इसके अलावा देश में शिक्षा को लेकर अक्टूबर महीने में नीति आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक भी जारी किया गया। इस रैंकिंग के मुताबिक देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतराल देखने को मिला है। इस सूची में देश के 20 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर, जबकि राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। संसद ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को भी पिछले साल के जुलाई महीने में अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। दरअसल ये बदलाव केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन से जुड़े थे। इस मामले पर सरकार का पक्ष ये रहा था कि वो संशोधन के जरिए मौजूदा आरटीआई कानून की विसंगतियों को दूर करना चाहती है। वहीं सरकार के इस कदम का विपक्ष, आरटीआई कार्यकर्ताओं और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्तों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि सरकार के इस कदम से यह कानून कमजोर पड़ जाएगा और इसका असल मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। साल 2019 में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि देश में अपराध, प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों तथा नौकरियों की कमी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। साथ ही याचिका में न्यायमूर्ति वेंकट चलैया की अगुवाई में गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का भी अनुरोध किया गया था। बाद में अदालत ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भी साल 2010 से 2019 के बीच भारत की आबादी औसतन 1.2% बढ़ी है, जो कि चीन की सालाना वृद्धि दर के दोगुने से भी ज्यादा है। स्वास्थ्य बदहाली को लेकर भी साल 2019 सुर्खियों में रहा। बिहार में एक और जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते सैकड़ों बच्चे मौत का शिकार हो गए, तो वहीं पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते भी स्वास्थ्य सुविधाओं पर बुरा असर पड़ा। 25 जून को नीति आयोग की ओर से जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में भी कई बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के परफॉर्मेंस को काफी खराब बताया गया है। बड़े राज्यों में केरल 74.01, आंध्र प्रदेश 65.13 और महाराष्ट्र जैसे राज्य 63.99 अंकों के साथ इस इंडेक्स में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में स्वास्थ्य प्रदर्शन को बेहतर आंका गया है। सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 28.61 अंकों के साथ इस सूचकांक में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। इसके अलावा इस सूचकांक में बिहार को 32, ओडिशा को 35, मध्य प्रदेश को 38 और उत्तराखंड को 40 अंक मिले, जिसे जाहिर होता है कि इन राज्यों में भी स्वास्थ्य की सेवाएं कमोबेश बेहाल ही रही हैं। साल 2019 में शहरी प्लानिंग की व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे। दरअसल साल 2019 में देखा जाए तो बेंगलोर की प्रदूषित झीलें रही हों या गुरुग्राम का ट्रैफिक जाम, मुंबई की बारिश हो या फिर दिल्ली का वायु प्रदूषण, साल 2019 में देश के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे शहरीकरण का साइड इफेक्ट अलग अलग तरीके से देखने को मिला है। भारी बारिश और प्रदूषण जैसी समस्याओं के चलते बड़ी तादाद में जान और माल का भी नुकसान देखने को साल 2019 में मिला है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी और तब तक विश्व की आबादी का 70% हिस्सा शहरों में रह रहा होगा। देखा जाए तो हर साल हम इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन आज तक इसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढे गए। ऐसे में हमारी शहरी प्लानिंग की व्यवस्था पर साल 2019 में सवाल उठने लाजमी थे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपभोग को भी खत्म करने की पहल
साल 2019 के अहम फैसलों में शुमार रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने की अपील की थी। बाद में 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में दुनिया भर में भारत का 5वां स्थान है। देश में हर साल 56 लाख टन कचरे का उत्पादन होता है। साल 2019 में लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका का भी जिक्र हुआ। दरअसल किसी राजनीतिक व्यवस्था में रीढ़ की तरह रहने वाली प्रशासनिक अधिकारी सरकारी नीतियों और कानूनों के कार्यान्वयन, नीति निर्माण, प्रशासनिक कामकाज और राजनेताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा वे अपनी तमाम भूमिकाओं के जरिए विधायी कार्य, अर्ध न्यायिक कार्य, कर और वित्तीय लाभों का वितरण, रिकॉर्ड रखरखाव और जनसंपर्क स्थापित करने जैसे दूसरे महत्वपूर्ण कामों में भी शामिल होते हैं। हालांकि सिविल सर्विसेज से जुड़ी कुछ दिक्कतें भी मौजूदा वक्त में मौजूद हैं। इनमें कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह सिविल सेवकों का हकीकत न बन पाना, लोक सेवकों के पदों और उनके कौशल के बीच तालमेल की कमी, सिविल सेवाओं में विशेषज्ञों के लेटरल एंट्री की जरूरत, कई महत्वपूर्ण पदों का लंबे समय तक खाली पड़े रहना, साथ ही तमाम ऐसे भी विभाग हैं जहां पर सिविल सेवकों को उनके कौशल के हिसाब से पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। हर साल की तरह पिछले साल भी 29 जुलाई 2019 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। बाघों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाने के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की संख्या को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के मुकाबले देश में बाघों की तादाद में 714 की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा वक्त में ये संख्या 2967 पर पहुंच गई है। इन्हीं परिणामों से उत्साहित होकर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अपने प्रयासों को और गति दिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री कैशलम टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। दरअसल दुनिया भर में बाघों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और सुमात्रन टाइगर काफी खास हैं। लेकिन बाली टाइगर और जावन टाइगर जैसी प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसे में देश का राष्ट्रीय पशु होने के नाते बाघ भारत के लिए खास अहमियत रखता है। हालांकि जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बाघों के शारीरिक अंगों के लिए उनका अवैध शिकार, मानव पशु संघर्ष और जलवायु परिवर्तन जैसी कुछ ऐसी मुश्किलें रही हैं जिसके चलते बाघों की संख्या में कमी आई है। 22 सितंबर को हर साल मनाए जाने वाले पुलिस सुधार दिवस के मौके पर देश में एक बार फिर से पुलिस सुधार की बात उठी। दरअसल तमाम कवायदों के बाद भी भारत में पुलिस सुधार महज कागजों तक ही सीमित है। पिछले साल भारत में पुलिस की स्थिति को लेकर एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर द स्टडी एंड डेवलपिंग सोसाइटी ने संयुक्त रूप से स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 जारी की। इस रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों की संख्या और उनके काम की परिस्थितियों को लेकर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में 22 राज्यों के 12,000 पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट में पुलिस विभाग में मौजूद तमाम खामियों, मसलन बुनियादी सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता, राजनीतिक दखलंदाजी और संरचनात्मक कमियों की तरफ इशारा किया गया है। सर्वेक्षण में पुलिसकर्मियों के दिमाग में महिलाओं, निचली जातियों और अल्पसंख्यकों को लेकर भारी पूर्वाग्रह देखने को भी मिला है। साल 2019 में राजनीतिक संकट भी कुछ कम नहीं थे। बात चाहे कर्नाटक की रही हो या फिर महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक की, इन सभी घटनाक्रमों के दौरान सत्ता को लेकर चल रहे संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और दल बदल कानून की भी खूब चर्चा हुई। दरअसल जब कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो उसकी इस प्रक्रिया को दल बदल
माना जाता है। ऐसे में उस विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। दल बदल कानून भारत में 1 मार्च 1985 से लागू हो गया था। यह कानून संविधान में 10वीं अनुसूची के रूप में डाला गया था। यह कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। साल 2019 में सरकार ने कई महत्वपूर्ण अध्यादेश और विधेयकों को अमली जामा पहनाया। सरकार द्वारा पेश किए गए तमाम विधेयकों ने जहां बदलाव की एक नई मुहिम चलाई, तो इन विधेयकों से सरकार विपक्ष और राजनीतिक दलों के निशाने पर भी आ गई। तीन तलाक और राम मंदिर जैसे कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर सरकार पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगे। साथ ही जम्मू कश्मीर से 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने, असम में NRC लागू करने और साल के आखिर में नए नागरिकता कानून के कारण सरकार को विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं क्या थे अध्यादेश और विधेयक जिन्होंने 2019 की सियासत में पैदा किए नए विवाद। साल 2019 का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को देखने को मिला था, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। राष्ट्रपति की ओर से जारी इस संवैधानिक आदेश में इस बात का जिक्र था कि जम्मू कश्मीर से जुड़े इस अनुच्छेद के खंड 1 को छोड़कर बाकी सभी खंडों को हटा लिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। दरअसल इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था। बाद में इस विधेयक के लोकसभा से भी पारित होने के बाद इसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के रूप में जाना गया। 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर व लद्दाख में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। दरअसल ये अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। ऐसे में 3 अक्टूबर की आधी रात से प्रभावी हुए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश बना है। संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाले और लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को साल 2019 में संसद में मंजूरी मिल गई। संसद में मिली इस मंजूरी के बाद तीन तलाक कानून को लेकर बनी सभी मुश्किलें खत्म हो गई। तीन तलाक कानून के तहत तीन तलाक के मामले को अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। तीन तलाक कानून में प्रावधान है कि मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप से दिए गए तीन तलाक को अवैध और गैर कानूनी माना जाएगा। तीन तलाक कानून को अब 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा, यानी 19 सितंबर 2018 के बाद तीन तलाक से जुड़े सभी मामलों का निपटारा इसी कानून के आधार पर किया जाएगा। इससे पहले 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में तलाक बिद्दत को असंवैधानिक करार दिया था। साल 2019 में एक और महत्वपूर्ण विधेयक ने कानून की शक्ल ली। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये विधेयक कानून बन गया। इस संशोधन के जरिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून UAPA 1967 में बदलाव किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। हालांकि इस कानून में हुए बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है। इसके अलावा 2019 का एक और बड़ा और ऐतिहासिक फैसला अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सामने आया। लंबे अरसे से चले आ रहे इस मामले पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन केंद्र सरकार के ही पास रहेगी और इसे मंदिर के लिए निर्माण के लिए केंद्र द्वारा 3 महीने के भीतर गठित किए जाने वाले एक ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का हवाला देते हुए सुनाया था।
इसके अलावा न्यायालय ने इस फैसले के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। दरअसल संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के रूप में खास शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय अपने विवेक से किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए जरूरी निर्देश दे सकता है। संसद ने ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक को भी साल 2019 के दौरान ही पारित किया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा कानून 2019 के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने व उनके सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। यह कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य आदि पर किए गए दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही यह कानून ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अवसर की समानता और आम लोगों की तरह जीने की सारी आजादी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निवास का अधिकार यानी राइट ऑफ रेसिडेंस जैसे कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। साल 2019 में भी सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली हांफ गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण इस साल अत्यंत गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। इस समस्या के चलते पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण को हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट का सर्वाधिक निम्न स्तर रहा है। इस साल अप्रैल महीने में अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2019 के मुताबिक साल 2017 में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से 12 लाख भारतीयों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत और चीन में दुनिया भर में वायु प्रदूषण से होने वाली 50 लाख मौतों का 50% मौजूद है। इसके अलावा WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 भारत के ही हैं। इसके अलावा एशिया में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अकाल मौतों के मामले में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है। हैदराबाद में हुए जघन्य सामूहिक दुष्कर्म ने एक बार फिर से मानवता और देश को साल के जाते जाते शर्मसार कर दिया। 26 जून 2018 को जारी थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक निर्भया कांड के बाद देश भर में फैले आक्रोश के बीच सरकार ने इस समस्या से निपटने का संकल्प लिया था, लेकिन भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई और अब वो इस मामले में दुनिया में पहले पायदान पर पहुंच गया है, जबकि साल 2011 में भारत इस मामले में चौथे पायदान पर था। 2018 का यह सर्वे बताता है कि उन हिंसा, सांस्कृतिक धार्मिक कारण और मानव तस्करी के चलते भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बन चुका है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक भी साल 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3.29 लाख मामले दर्ज किए गए। 2016 में इस आंकड़े में 9,711 की बढ़ोतरी हुई और इस दौरान 3.38 लाख मामले दर्ज किए गए। साल 2016 के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में दुष्कर्म के रोजाना 106 मामले सामने आते हैं और इससे भी पूरी तस्वीर साफ तौर पर जाहिर नहीं हो पाती, क्योंकि दुष्कर्म के सभी मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती है। नागरिकता को लेकर देश में अलग अलग प्रक्रियाओं ने साल 2019 में खूब सुर्खियां बटोरी। NRC, कैब और अब CAA को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों ने कई लोगों की जाने ली और तमाम लोग इसमें घायल भी हुए। शुरुआत असम के नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स यानी NRC से करते हैं। 31 अगस्त को असम में NRC को अपडेटेड अंतिम सूची जारी की गई। करीब 19 लाख लोगों का नाम इस नई सूची से बाहर हो गया। इस सूची से बाहर हुए लोगों में बड़ी संख्या में मुसलमान व बंगाली हिंदू शामिल रहे जो भारतीय नागरिकता के लिए अयोग्य माने जा रहे हैं। हालांकि जिन लोगों का नाम NRC की अंतिम सूची से बाहर हुआ था उन्हें 4 महीने के भीतर विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने का मौका दिया गया था। साथ ही यदि कोई व्यक्ति यहां से अपना केस हार जाता है तो वो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इस मामले में सरकार ने यह भी कहा कि NRC की अंतिम सूची में जिनका नाम नहीं है वे सभी वैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक देश के नागरिक के तौर पर सभी सुविधाएं ले सकेंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने इसे और तूल दे दी जिसमें उन्होंने कहा कि NRC को पूरे भारत में
लागू किया जाएगा और सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान करके उनको कानूनी तौर पर देश से बाहर भेजा जाएगा। अब देश भर में लागू हो चुके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर आते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। दरअसल यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इन शरणार्थियों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। नए नागरिकता कानून के तहत अब 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे 11 वर्ष की बजाय 5 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सके। इसके अलावा नए नागरिकता कानून में यह भी व्यवस्था की गई कि इन 6 समुदाय के लोगों को विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। साथ ही नागरिकता संबंधी उक्त प्रावधान संविधान की 6 अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा यह प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों पर भी नहीं लागू किए जाएंगे। हालांकि साल 2019 में आए इस कानून का देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन करता है। और साल के आखिर तक आते आते केंद्रीय कैबिनेट ने 2021 की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को अपडेट करने को भी मंजूरी प्रदान कर दी। जनगणना आयोग के मुताबिक NPR का मकसद देश के हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। हालांकि देश में नागरिकता को लेकर चल रही अलग अलग बहसों में अब NPR भी शामिल हो गया है। तमाम लोग नए कानून के साथ ही NPR का भी अब विरोध कर रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि NPR के जरिए सरकार पूरे देश भर में NRC लागू करना चाह रही है। आइए पिछले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में समझते हैं। इस साल गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल हुआ 2019 का प्रयागराज में आयोजित हुआ कुंभ मेला, सबसे बड़ी ट्रैफिक व जनसैलाब प्रबंधन योजना पेंट माई सिटी योजना और सबसे बड़ा स्वच्छता व कचरा प्रबंधन मैकेनिज्म जैसे 3 सेक्टर में बेहतरीन काम के लिए शामिल हुआ है गिनीज विश्व रिकॉर्ड में प्रयागराज में आयोजित हुआ कुंभ मेला। और इस साल इंग्लैंड में आयोजित 2019 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड को मिली जीत। 2019 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहे इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को हराकर हासिल की ये जीत। इस साल पूरे हुए संविधान के 70 साल, संविधान निर्माताओं की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था देश का संविधान। देश की 3 विभूतियों को दिया गया इस साल का भारत रत्न सम्मान। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की गई इन विभूतियों में समाज सेवी और जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख, संगीतकार भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल रहे। साल 2019 में अर्थशास्त्र के लिए भारत के अभिजीत विनायक बनर्जी को मिला नोबेल प्राइज। अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार उनकी पत्नी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग के उनके शोध के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को मिली साल 2019 में मंजूरी। अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट 2012 में संशोधन करता है ये पॉक्सो कानून। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 को भी मिली इस साल मंजूरी। संशोधन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का न्यास के पदेन सदस्य होने का हक हुआ समाप्त। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में संशोधन करता है यह कानून।
एसपीजी संशोधन विधेयक 2019 को भी मिली। इस साल मंजूरी प्रधानमंत्री के अलावा अब किसी भी विशेष व्यक्ति को नहीं दी जाएगी एसपीजी सुरक्षा। 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को मिली संसद से मंजूरी। 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव का विलय कराने संबंधी एक विधेयक। बेहतर सुविधाओं और कुशल प्रशासन के मद्देनजर किया गया है इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का आपस में विलय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन विधेयक को मंजूरी। अब निजी डेटा चुराने पर होगी 3 साल की जेल के अलावा 15 करोड़ रुपए या कंपनी के वैश्विक टर्नओवर का 4% जुर्माना। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को भी संसद से इस साल मिली मंजूरी। सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटर वाहन एक्ट 1988 में संशोधन का प्रस्ताव करता है यह कानून। संसद से मिली साल शस्त्र संशोधन विधेयक 2019 को भी मंजूरी। इस कानून के तहत शस्त्र अधिनियम 1959 में किए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। साल 2019 में आरटीआई कानून को लेकर आया महत्वपूर्ण फैसला। आरटीआई कानून के दायरे में होगा भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आयोजित हुआ 250वां सत्र। 250 सीटों वाले उच्च सदन का 250वां सत्र कई मायनों में रहा ऐतिहासिक। सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किए साल किसी राज्य में जनसंख्या के आधार पर समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने की जनहित याचिका। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े के नेतृत्व वाले 3 जजों की पीठ ने कहा धर्म को माना जाना चाहिए अखिल भारतीय। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद को विसर्जित करने को मिली केंद्रीय कैबिनेट से साल मंजूरी। विपिन रावत बने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस। और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए संशोधन विधेयक भी संसद से हुआ साल पारित। 1967 में बने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम को संशोधित करता है यह कानून। तो ये थी साल 2019 की कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरें। हमारी कोशिश होगी कि हम आप तक एक ऐसा ही कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जगत की उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए भी करें जो 2019 में खूब चर्चा में रहे और जिनसे आने वाली आगामी परीक्षाओं में कई सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुँचाएँ कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा।